पुणे के पाबो क्षेत्र में सड़क दुर्घटना को लेकर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सीनियर सब इंस्पेक्टर ने कहा, एक बार नयार नदी में गिर गई, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया और घटनास्थल के आसपास से बैग, मोबाइल और जूते मिले हैं। कार में 4 से 5 लोग सवार थे, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति का शव रेस्क्यू टीम को मिला है। पुणे से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। कल जो पाबो क्षेत्र में जो सड़क दुर्घटना हुई थी, इसमें जो है स्थानीय लोगों द्वारा जो 5 लोगों के गाड़ी में होने की संभावना जाहिर की गई, तो इसमें एक व्यक्ति को तो रात को जो है हमारी जो है एस टी एफ और पुलिस टीम थी और स्थानीय लोगों की मदद से इसको रेस्क्यू कर दिया गया था और उसका जो फलन के बाद जो है बॉडी उनके परिवार को सपोर्ट की गई है। उसके अलावा जो 4 लोग जो और होना बताया गया है, तो ये अभी स्पष्ट है कि उसमें 4 लोग कौन ये थे अथवा नहीं थे वाहन में, लेकिन उनके जो हमारा पिछले 24 घंटे से लगातार जो है उनके सर्चिंग के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है और जो अभी हमारा जारी है।